नमस्कार दोस्तों, आज 31 मई 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी है, आज के आलू के क्या कुछ बाजार है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दें, दिल्ली में कल भी शाम को बरसात हुई और आज सुबह से 4 से लेकर 5 तक अंधी तूफान के साथ पूरी जोरदार बरसात थी और अब भी हल्की हल्की बरसात चली हुई है। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला और यहाँ पर दिल्ली में बिल्कुल ठंडा मौसम है, जैसे चौमासा लग गए हो। चलिए जानते हैं आज का अशोक आलू कंपनी पे आज के क्या कुछ रेट हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ आई, कितनी गाड़ी आई, क्या पोजीशन है जी आज की, और भी जानेंगे बाबू जी से ये जो बरसातें गैर मौसम की आ रही क्यों आ रही। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी सर जी, नमस्कार बाबू जी। आज का क्या पोजीशन जी, कितनी गाड़ी आई जी मंडी में, क्या पोजीशन चल रही जी? में गाड़ी आमदनी है। अच्छा जी, 16 गाड़ी इसमें से रात की खड़ी हुई है। हाँ जी, और 20-22 गाड़ी जो है चिप्स सोने की है। अच्छा जी, और 14-15 गाड़ी सूर्य की है। हाँ जी ऐसे है, और रात को हो गई है बारिश हुई थोड़ी सी। हाँ जी, और सवेरे भी 4-5 बजे के करीब जो है आधी तूफान के साथ बारिश हुई। हाँ जी, 8 बजे तक रिमझिम होती रही। हाँ जी, अभी फिलहाल तो रुकी हुई है। ये क्या कारण हो रहा बाबू जी, ये चौमासा लग गया जी, क्या चीज हो रही जी, ये हर रोज बरसात? ये तो कुदरत के ऊपर बात है जी, इसके कुदरत के काम में कौन दखल दे सकता। अच्छा जी, ये जलवायु परिवर्तन है, पिछले 4-5 सालों से वैज्ञानिक रोल मचा रहे हैं, थोड़ा जो है कम कुदरत के साथ कम खिलवाड़ करो, तो अब नहीं मानती पब्लिक, तो फिर जो है जब भी देख लो आज एकादशी, आज के दिन लू चलनी चाहिए। लू चलनी चाहिए आज के। हाँ जी, मगर जो है अब ये जलवायु परिवर्तन है तो फिर फर्क होगा, सावन के महीने में बारिश नहीं होगी और जो है जेठ के महीने में बारिश हो रही है। अच्छा जी, तो ये जलवायु परिवर्तन है, इसे जलवायु परिवर्तन ही कहेंगे, मौसम का महीना चेंज होना, ये सब होना, ये सब फसलों को नुकसान देगा जी। हाँ जी, हो सकता है जी ये लेट सवेर बारिश हो जाए पंजाब के आलू लगने में, तो कुछ नई बात पैदा हो जाए आलू। अच्छा जी, इसलिए सब्जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, 8 महीने का पीरियड है। हाँ जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके साथ इसको कहना जी मंदी आएगी तेजी आएगी, इसके बारे में कुछ कहना बेकार है। हाँ जी, ये तो देखो जी हम पंडित जोशी तो है नहीं, ये तो निकासी के ऊपर डिपेंड है, जैसे जैसे निकासी होती रहेगी। माइक पास कर लो बाबूजी, माइक। मई के महीने में केवल 5% आलू निकला है। अच्छा जी, मई आज समाप्त हो गई, जबकि जो है 10-12% आलू निकलना चाहिए। अच्छा, जबकि निकला 5% है, तो 5-7% आलू बढ़ी गया स्टॉक। हाँ जी, अगर जून भी ऐसा चला गया तो बड़ी भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। अच्छा जी, और मुझे लग नहीं रहा कि जून के महीने में भी कोई निकासी बढ़िया हो जाए। हाँ जी, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से किसान नहीं आ रहा है कोल्ड स्टोरों में बेचने। हाँ जी, और कोल्ड स्टोर वाला भी कोई आलू नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि पिछले साल निकाला तो उसे तकलीफ हुई। हाँ जी, इस साल अभी किसी ने हाथ नहीं डाला है स्टोर वाले ने, तो अगर जून का महीना भी ऐसे निकल गया। हाँ जी, तो बड़ी भारी परेशानी का सामना। अच्छा जी, ये देखो सूर्य है। हाँ जी, ये 860 रुपये का बिका है जी। ये कहाँ वाला है जी? ये जो है तुम्हारे चंदौसी बिसोदी। अच्छा जी, उसी साइड का है जी। हाँ जी, 860 रुपये का बिका है। अच्छा जी, ए ग्रेड में माना जाता है कि ग्रेड भी लो है जी, थोड़ा गोल्ड टाइप का है, बढ़िया तो 900-950 का है। अच्छा, जो बढ़िया है वो 900-950 का है। अच्छा, ये आसपास के किसान लोग ले आते हैं इलाके के। हाँ जी, तो इतना बढ़िया वो बना नहीं पाते, कोशिश तो बढ़िया करते हैं बनाने की। अच्छा, पर व्यापारी की बनाई में और किसान की बनाई में थोड़ा फर्क आ जाता है। अच्छा जी, अच्छा, ये 37-97 है देखो जी। हाँ जी, ये वाला जी। हाँ जी, अच्छा जी, ये 530-540 रुपये की पोजीशन है इसकी। हाँ जी, 550 का भाव रखा हुआ है, 30-40 का बिक जाएगा, कुछ परचून में 50 का बिक गया। अच्छा जी, ये भी 37-97 है। हाँ जी, ये भी 20-30 की रेंज के हैं। अच्छा जी, अच्छा, एक देखो ये है 37-97। हाँ जी, ये हापुड़ का है, नीचे उतरा हुआ है। अच्छा जी, ये कल का जी, रात को उतार देते हैं ना जी। अच्छा जी, जो है किसान लोग आते हैं रात को उतर जाते हैं गाड़ियों में। अच्छा जी, अच्छा, ये 150 कट्टे लेके आया है। अच्छा जी, हाँ, ये भी 500 के आसपास बिक जाएगा, 500 बिक जाए, 10 बिक जाए। अच्छा जी, और चिप्स सोने की क्या पोजीशन जी? चिप्स सोना तो आज मेरे पास नहीं है, बाकी चिप्स सोने की पोजीशन 700-750-750 तक है। अच्छा जी, एक नंबर का हाई 800 तक बिक रहा है चिप्स सोना जी, एक नंबर का बिल्कुल हाई फाई। अच्छा जी, और ये सूर्या ये किस रेंज का जी है? यही सूर्या है जी, इसे सैंपल है, ये असल है। अच्छा, ये इसका असल है जी? हाँ, ये सैंपल है। हाँ जी, हाँ, 900 का परचून में बिक रहा है, 860 रुपये का थोक में दिया है। अच्छा जी, जो बढ़िया है वो 950 रुपये तक का है। अच्छा, बढ़िया 950 रुपये तक। अच्छा जी, अच्छा, तो जो कुल मिला के बात करें, जो वैसे आलू हैं जी, ये जैसे संभल बोलते हैं जी इनको, पुखराज तो आ ही नहीं रहा है जी। हाँ जी, पुखराज वैसे जो है सभी ग्लास विग्लास का आ रहा है, वो 450-500 के बीच में। अच्छा, 37-97 में 500-550 से स्टार्ट है और बढ़िया 600 तक है। अच्छा जी, मगर बढ़िया मार्केट में है नहीं। हाँ जी, आ ही नहीं रहा। अच्छा जी, वहाँ पीछे तेज है, यहाँ इतनी बिक्री नहीं है। अच्छा जी, यहाँ इतना बिकता नहीं, 70-80 तक बिकता है, 600 के थोड़े बहुत कट्टे बिकते हैं, बाकी 70-80 पर आ जाता है, व्यापारी को पड़ता नहीं आ रहा है। हाँ जी,
तो बाकी बढ़िया आलू आने से 70-80 बिक जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, तो क्या सिस्टम बनेगा जी? ये अब की बार सावन भी कह रहे दो हैं जी। हाँ जी, सावन भी तो बता रहे हैं पंडित लोग जो है कि इस बार दो सावन है। अच्छा जी, लौंद का महीना है। हाँ जी, देखो प्रभु कोई ना कोई कृपा करनी चाहिए। अच्छा, कोई ना कोई रास्ता निकला है जी। इसका तो मतलब ये हो सकता है जी, सावन दो हैं तो लेट तक बरसाते हो जो आप बरसातों में, अगर बरसात लेट तक हुई हाँ जी तो कोई चांस बन जाएगा पंजाब लेट सवेर हो जाए तो। अच्छा, और नहीं तो भैया जो है बारिश, देखो जेठ के महीने में बारिश हो रही है। हाँ जी, क्या पता सावन में बारिश हो ना हो, कौन जान सकता है, इसको कौन जान सकता है। हाँ जी, ये तो प्रभु के हाथ है, प्रभु की लीला है, जैसा क्योंकि सावन में बारिशें आनी जरूरी है जी। जरूर, सावन में जब बरसातें आती हैं तभी लोकल सब्जी खत्म होती है जी। तभी लोकल सब्जी खत्म, वो नहीं है दोबारा चल जाएगी बेल वाली फसल। ये इतनी हरी, जितनी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, हाँ जी, इससे सब्जी को जान पड़ रही है। हाँ जी, पानी नहीं देना पड़ रहा, डीजल के पैसे बच रहे हैं, बिजली के पैसे बच रहे हैं, बेल वाली फसल दोबारा चल जाएगी सावन में जी। तो फिर समझ लो इसकी बिक्री पे असर पड़ेगा। असर पड़ेगा जब ज्यादा बरसातें होंगी, जब सब्जी खत्म होगी तो लोगों को आलू ही ऑप्शन रह जाता है जी, जबी जबी जाम जलता है जी। अच्छा जी, जब ही आदमी दूसरी फसल लगाता है जब तक नहीं सब्जी चलती रहती है। हाँ जी, सब्जी तेज बिकती है और तोड़ता रहता है। मौसम ने तो कमाल कर दिया जी, देखो बिना पंखे के लगातार ऐसे ही बैठे जी सारे। कोई कह नहीं सकता जी, आज जो है 31 मई है जी, 31 मई, जबकि पूरी भयंकर लू चलनी चाहिए। इस समय तो कपड़े भी गिल्ले हो जाते हैं जी। हाँ जी, इस समय तो ज्यादा कपड़े गिल्ले हो जाते थे जी लू में। धन्यवाद सर जी। और आज के LR के कैसे बाजार चल रहे भाऊ जी? LR मेरे पास तो है नहीं, वैसे LR 700 रुपए का बिक रहा है। अच्छा जी, 700-750। अच्छा जी, मोटे वाला जी, मोटे वाला। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी। सर जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल, गालू कंपनी, A291 सब्जी मंडी आजादपुर, 9810053673। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब।